हेलो स्टूडेंट्स, सो बीकॉम सेकेंड ईयर लास्ट क्लास में हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार मोड निकाला जाता है। तो मैंने आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज में किस प्रकार मोड निकाला जाता है वो बातें हमने क्लियर कर ली थी। आज हम डिस्कस करने जाएंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में मोड का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो सुनो। तो अगर आपके सामने कोई डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्क्रीट सीरीज का अगर क्वेश्चन होता है और उसका अगर अपन को मोड निकालना है, और मोड का मतलब क्या होता है, किंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, जिसके नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होंगे वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो देखिए कैसे निकालोगे। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दिया आपके सामने, एक्स दिया और एफ दिया, इसी तो रहता है डिस्क्रीट सीरीज। तो कैसे करेंगे अपन लोग, तो सबसे पहले देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में कुछ वैल्यूज दिया, जैसे मान लीजिए 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया, 10 दिया, 12 दिया, 14, 16, कुछ भी वैल्यूज अपन को दे सकता है, उसके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे सकता है। जैसे 2 जो है 13 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 12 टाइम्स रिपीट हुआ है, 11 टाइम्स, 23 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। तो इस तरह से अपन को दिया हुआ है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 2 जो वैल्यू है 13 बार रिपीट हुआ है, 4 वैल्यू 2 बार रिपीट हुआ है, 6 जो है 12 बार रिपीट हुआ, 8 जो है 11 बार रिपीट हुआ, 10 जो है 23 बार, 12 4 बार, 14 6 बार और 16 7 बार। तो यहां पर आप वैल्यूज पे फोकस नहीं करेंगे, यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी हाई है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में चूज करेंगे। देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन दिख रही तुमको, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमको दिख रही है 23, देख लो 23, जिसका वैल्यू क्या है 10, मतलब 10 वैल्यू जो है 23 बार आया सबसे ज्यादा बार, इसके बाद तो कोई है ही नहीं। यानी 10 वैल्यू ऐसा वैल्यू जो 23 बार रिपीट हुआ, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ 23, तो हमारा मोड का वैल्यू क्या होगा, 23 नहीं 10, भाई 10 वैल्यू होगा आंसर। सबसे नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखोगे और उसका वैल्यू देखोगे कितना है 10 है, तो आंसर क्या आएगा 10, क्योंकि आंसर हमेशा एक्स सीरीज से ही आता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 10। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो अपन लिख सकते हैं द मैक्सिमम, अपन लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 23, विच इज कोरेस्पॉन्डिंग टू वैल्यू 10। सो मोड वैल्यू विल बी वैल्यू 10, यानी कि आपका जो मोड का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं देन z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। जो हमने देख के निकाला इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन करना, क्या करना, इंस्पेक्शन, बाय इंस्पेक्शन ऑफ टेबल। ओके, अपन सीधा यहां लिख सकते हैं, बाय इंस्पेक्शन ऑफ टेबल, मतलब टेबल का सीधा इंस्पेक्शन कर लिए हमने, देख लिया सीधा, इंस्पेक्ट किया कि सबसे ग्रेटर कौन दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी में, हमको 23 दिखाई दे रहा है, 10 एक्स्ट्रा वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23, दिस इज योर आंसर, आगे हमारा आंसर, बात खत्म। आई बात समझ में कि नहीं आई, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर अपन क्या करते हैं आगे देखते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब यार अपन बात करेंगे, तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। अब कई बार ये कौन से मेथड से बनाया हमने, इंस्पेक्शन मेथड से बनाया। तो कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, और कुछ ऐसा सिचुएशन हमारे सामने आ गया। अब आप बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको क्या दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पे चलो 11 था, चलिए कोई भी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज इस प्रकार से हैं। अब क्या होगा, देखें 2 जो है 13 बार आया, 4 जो है 23 बार आया, 6 जो है 12 बार आया, 8 जो है 11 बार आया, 10 जो है 23 बार आया, 12 जो है 4 बार आया, 14 जो है 6 बार और 16 जो है 7 बार आया। बताइए हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। आप बोलेंगे सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखो, सबसे ज्यादा कौन आया है, सर 23 दिख रहा है, तो 23 किससे कोरेस्पॉन्ड करता है, 4 से, क्योंकि आप मोड का वैल्यू 4 होगा। आप तुरंत बोलोगे नहीं सर यहाँ पे भी तो इस है, 23 जो है वैल्यू कितना, 10 है। तो जब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल आती तब कैसे करें, यानी कि 4 यहाँ पे किंग ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा कि मोड वैल्यू 4 होगा या 10 होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, 23 है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन काम नहीं आएगा बॉस, तो यहाँ पे अपन से इंस्पेक्शन काम नहीं आएगा। तो इंस्पेक्शन जब काम नहीं आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्रुपिंग से अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे बनता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बाय इंस्पेक्शन ऑफ टेबल, क्या लिखेंगे, बाय इंस्पेक्शन ऑफ टेबल the maximum number of
फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज 23, विच 23 विच इज कोरेस्पॉन्डिंग टू वैल्यू 4 एंड वैल्यू 8, 10. तो अब कंफ्यूजन है कि भाई 4 वैल्यू हमारा बोर्ड होगा कि 10 वैल्यू होगा, तो अपन लिखेंगे नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड. तो अपन को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड. तो कैसे बनाते हैं ग्रुपिंग मेथड, चलिए देखिए. तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे एनालिसिस टेबल. एक टेबल लिखना पड़ेगा, एनालिसिस टेबल. इस तरह से टेबल लिख लो और एक कॉलम बना लो इस तरह से. देखिए तो कॉलम बना लेते हैं अपन लोग इस तरह से. ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का, टैली का वैल्यू हो जाएगा. एक दो तीन चार पांच छह, एक सेकेंड. ओके चलिए ठीक है. तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल. लिखेंगे इसको, लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, इसको लिखेंगे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 एंड टेबल 5 एंड देन फाइनली टेबल 6. इस तरह से लिख लेंगे और ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यूज का कॉलम हो जाएगा. जो वैल्यू दिया होगा एक्स का वैल्यू उसको लिख लेना. जैसे एक्स का वैल्यू 2 को दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है एंड देन फाइनली कितना दिया है, 16 दिया. इस प्रकार लिख लो और इस तरह से कॉलम आप खींच लेते हैं. तो एक कॉलम हमने खींच लिया और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए. क्या क्या फ्रीक्वेंसी, 13 है, 23 है, 12 है, 11 है, 23 है, 4 है, 6 और कितना है, 7 है. तो इस प्रकार से आप लोग फ्रीक्वेंसी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए. इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी क्या कर लिया, लिख लिया. ठीक है, ये आपको किसका कॉलम हो गया, टैली का कॉलम हो गया. तो यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से. तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड में टेबल बना लेंगे. बिल्कुल टेबल बन गया. तो हमने क्या किया, वैल्यूज को लिख लिया और उसकी फ्रीक्वेंसीज जो है उसको हमने क्या कर लिया, लिख लिया. अब अपन लोग काम करना स्टार्ट करते हैं. तो देखिए सबसे पहला बताइए इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या दिखाई दे रहा है. तो पहले आप बोलो कि सर हमको 23 दिखाई दे रहा है और फिर दूसरा 23 दिखाई दे रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो आप क्या करेंगे, 23 को आप दे दीजिए एक पॉइंट और फिर उसके बाद दूसरा 23 जो है उसको भी क्या कर दीजिए, दे दीजिए आप लोग एक पॉइंट. तो इस प्रकार हमने एक एक पॉइंट दे दिया इनको. ओके इस प्रकार हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट दे दिया. थोड़ा इसको बड़ा रख लेते हैं अपन लोग, काम आएगा भी. थोड़ा बताते क्यों हम इसको बड़ा रख रहे हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा. ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ टैलीज को बड़ा रख लेते हैं. तो एक एक पॉइंट दे दिया. तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको एक एक पॉइंट दे दो. जैसे 23 दिख रहा है 23 को एक पॉइंट दे दो और फिर यहाँ पे 23 दिख रहा है 23 को एक पॉइंट दे दिए. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसियों का दो दो का ग्रुप बनाओगे. दो दो का ग्रुप बनाइए, जहां तक ग्रुप बनता है दो दो का वैसे दो दो का ग्रुप बना लीजिए. दो दो का हमने ग्रुप बना लिया. ओके, एक आधा अगर छूटता है तो छूटने दो, दो दो का ग्रुप बना लीजिए बराबर बराबर से. दो दो का ग्रुप बना लिया, अब इन दोनों का टोटल करिए आप. तो 23 और 13 का आप क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, आ जाएगा ये 36. वैसे 12 और 11 का अगर आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा ये 23. 23 और 4 का टोटल करोगे तो आ जाएगा ये 27. और 6 और 7 का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 13. ठीक है, आ गया 13. अब इस टोटल में देखिए सबसे मैक्सिमम क्या दिखाई दे रहा है आपको. हमको सर मैक्सिमम दिखाई दे रहा है टोटल में 36. तो 36 को कर लीजिए हाईलाइट. और 36 किससे एसोसिएट है, 13 और किससे, 23 से. तो 13 को एक पॉइंट दे दो और 23 को क्या करो, एक पॉइंट दे दो. करेक्ट है, ओके. अब आप क्या करेंगे, अब आपने दो दो का ग्रुप बनाया, अब आप क्या करेंगे, एक एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, दो दो का ग्रुप बनाएंगे. एक फ्रीक्वेंसी को छोड़कर दो दो का ग्रुप बनाएंगे. तो देखो 23 और 12 का ग्रुप बना, 11 और 23 का ग्रुप बना, 6 और 4 का ग्रुप बना. क्या 7 का ग्रुप बन सकता है, वो तो अकेला है तो नहीं बन सकता, छोड़ दीजिए उसको. अब टोटल करिए, 23 और 12 को अगर आप टोटल करोगे तो यह आ जाएगा, 23 और 12 को अगर अपन टोटल करते हैं तो 35 आ जाएगा. 11 और 23 को अगर अपन लोग टोटल करते हैं 4 3 34 आ जाएगा. और 6 4 को टोटल करेंगे 10 आ जाएगा. अब हमें बताइए कि इन दोनों में सबसे, इन टोटल में सबसे ग्रेटर कौन दिखाई दे रहा है आपको. तो सबसे ग्रेटर हमको दिखाई दे रहा है क्या,
35, तो 35 किससे एसोसिएट है? 23 वैल्यू से और 12 वैल्यू से, तो 23 को क्या करेंगे, एक पॉइंट दे देंगे, और 12 वैल्यू को क्या कर देंगे अपन लोग, एक पॉइंट दे देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ये अपन वैल्यू दे देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, अब अगला जो ग्रुप बनेगा वो तीन तीन का ग्रुप बनेगा, मतलब आप तीन फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाएंगे, एक तीन का ग्रुप बनाएंगे, एक तीन का ग्रुप बनाएंगे। क्या 6 और 7 का ग्रुप बन सकता है? नहीं, वो तो छूट गया तो छोड़ दीजिए। तो तीन का आप ग्रुप बना लीजिए जहां तक बनता है। तो तीन का हमने ग्रुप बनाया, तो अपन लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो देखिए फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 13, 23 और 12 का टोटल कर लो, 13 प्लस 23 प्लस 12, तो अगर आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका टोटल, 48 आ जाएगा। वैसे 11 प्लस 23 प्लस 4, तो अपन लोग टोटल कर लेते हैं, 11 प्लस 23 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, 38, तो यार 38। अब बताइए दोनों में ग्रेटर क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो हमको दोनों में ग्रेटर दिखाई दे रहा है 48। तो चलिए 48 किससे एसोसिएट है, 13, 23 और 12 से। 13 को एक पॉइंट दे दो, 23 को एक पॉइंट दे दो, और 12 को क्या करो, एक पॉइंट दे दो। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिए, इस प्रकार अलग अलग पॉइंट हमने क्या कर दिया, दे दिया। अब आप क्या करोगे, एक को छोड़ दोगे, अब क्या करोगे, एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ दोगे और तीन तीन का ग्रुप बनाओगे, एक ऊपर का फ्रीक्वेंसी छोड़कर तीन तीन का ग्रुप बनाओगे। तो अब क्या बना ग्रुप, 23, 12 और 11 का ग्रुप बना, 23, 4 और 6 का ग्रुप बना, इस तरह से। 7 छूट गया, छूट जाने दो। चलो टोटल करते हैं, 23, 12 प्लस 11, तो 23, तो 12 प्लस 11, तो बच्चों आ जाएगा कितना, 46 आ जाएगा। वैसे ही अगला जो ग्रुप बनेगा, 23, 4 और 6 का ग्रुप बनेगा, तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। बताइए आप दोनों, अब इन लोगों में ग्रेटर कौन दिखाई दे रहा है, 46, तो 46 को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे। 46 को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे किससे एसोसिएट है, 46, 23, 12 और 11 से। तो 23 को क्या करेंगे, एक पॉइंट देंगे। तो देखो 23 में ऑलरेडी कितना पॉइंट हो चुका है, 4 पॉइंट हो चुका है। तो पांचवा पॉइंट जो दोगे आप, ऐसा लकीर नहीं खींचोगे, बल्कि इसको क्या कर दोगे, ऐसा क्रॉस कर दोगे पांचवा पॉइंट के लिए। ओके, और आगे का भी अगर जाओगे तो कैसे जाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा दिया जाता है हमेशा। तो ठीक है, पांचवा को हमेशा क्या करेंगे, अपन क्रॉस कर देंगे। फिर दूसरा क्या है, 12, तो 12 को एक पॉइंट दे दो, और अंत में कितना है, 11, तो 11 को एक पॉइंट दे दो। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब लास्ट टेबल बच गया। अब आप क्या करोगे, दो फ्रीक्वेंसी को ऊपर से दो फ्रीक्वेंसी को छोड़ दोगे और तीन तीन का ग्रुप बनाओगे। तो हमने क्या करेंगे, 13 और 23 को छोड़ देंगे, तो क्या ग्रुप बना, 12, 11 और 23 का ग्रुप बना, और 6, 4, 6, 7 का ग्रुप बनेगा, जहां तक बनता वहां तक बना लो। ठीक है, चलो टोटल करते हैं, 12, 11 और 23, तो 12, 11 और 23 को ग्रुप बना लेते हैं, 46 आएगा बॉस ये। ठीक है, कितना आ गया, 46। वैसे ही 6, 4, 10, 10, 7, 17 आ गया। बताइए इसमें सबसे ग्रेटर कौन है, 46 किससे एसोसिएट है, 12, 11 और 23 से। तो 12 को एक पॉइंट दे दो, 11 को एक पॉइंट दे दो, और 23 को क्या करो, एक पॉइंट दे दो। ठीक, खत्म। समझ में आया ग्रुप हमने कैसे बनाया? अगर आपको समझ में नहीं आया ग्रुप को थोड़ा याद रखना है, तो कैसे हमने क्या किया, हमने क्या किया, पहले दो दो का ग्रुप बनाया, इसको रफली लिख सकते हो आप, इसको शो मत करना कभी भी, रफली लिख लो। जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल ऑफ टू, हमने दो दो का ग्रुप बनाया, फिर हमने बनाया टोटल ऑफ वन लेफ्ट, टोटल ऑफ टू, वन लेफ्ट एक छोड़ा, वन लेफ्ट टोटल ऑफ टू, मतलब एक छोड़कर दो दो का ग्रुप बनाया, फिर टोटल ऑफ थ्री, तीन तीन का ग्रुप बनाया, तीन का ग्रुप बनाया, फिर वन लेफ्ट एक छोड़ा, वन लेफ्ट टोटल ऑफ थ्री, और उसी प्रकार अगला, फिर अगला क्या बनाया हमने, टू लेफ्ट। अब हमने क्या किया, टू लेफ्ट टोटल ऑफ टू लेफ्ट टोटल ऑफ थ्री। तो इस प्रकार से हमने ग्रुप क्या किया, क्रिएट किया। तो आप इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो देख लो, चलो इसी ग्रुप के हिसाब से बन गया, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो देखो अब टैली करते हैं अपन लोग, तो नंबर ऑफ टैलीज देखते हैं, टैली करो कितना आता है, देखते हैं, टैली करिए, चलिए गिनती करिए। इसका कितना वैल्यू आया, 2, ये कितने बार रिपीट हुआ, 5, ये कितने बार, 4, 2 और कितना, 2। तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ टैली आपको कितना दिखाई दे रहा है, 5, जो 5 दिखाई दे रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टैली, और किससे एसोसिएट है ये, 23, जिसका वैल्यू कितना है, 4 है, यानी आपका मोड का वैल्यू क्या होगा, 4। हमको बड़ा कंफ्यूजन था ना कि मोड का वैल्यू 4 होगा कि 10 होगा, तो भाई आपको क्लियर हो गया ना ग्रुपिंग मेथड से कि मोड यहाँ पे कौन होगा, 4 होगा, यानी किंग ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन होगा, 4 होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टैली कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन बना सकते हैं। जब इस प्रकार का कुछ धर्म संकट आए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इस प्रकार से कोई धर्म संकट आए तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक इंस्पेक्शन मेथड से बनाओगे, जैसे सामने दिख जा रहा है तो, और सामने नहीं दिख रहा तो फिर कैसे बनाओगे, ग्रुपिंग मेथड से बनाओगे। क्लियर है? ओके, चलिए तो अब अपन आगे काम करते हैं। तो बोलो मैक्सिमम नंबर ऑफ टैली कितना है, 5 है, तो अपन लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैली, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैली टैली इज 5, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैली इज 5, विच इज corresponding to frequency
with frequency 23. Then which also corresponding to, which also corresponding to, corresponding to value 4. Value 4. So mode value will be, so mode value will be value 4. तो इस प्रकार से आपको जो मोड का वैल्यू आएगा क्या आएगा, 4, तो अपन बोल सकते हैं देन z इज इक्वल टू कितना 4. तो समझ में आया कि इंस्पेक्शन मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, सॉरी ग्रुपिंग मेथड से इस तरह से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं जब इस प्रकार का सिचुएशन आ जाता है. तो क्या करना है, समझ में आ गया, डिस्क्रीट सीरीज के साथ. ओके चलिए तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने इंस्पेक्शन मेथड से कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, ग्रुपिंग से कैसे बनाया जाता है, समझ में आ गया होगा आप लोग को. लेकिन आपको एक चीज और मैं बता दूं, एक ट्रिक मैं आपको दे दूं कि इंस्पेक्शन से कब बनाना है और ग्रुपिंग से अपन को कब बनाना है, इस बात में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको. जरूरी नहीं कि जब आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जब इक्वल है तो ही आपको ग्रुपिंग इस्तेमाल करना है. ग्रुपिंग इस्तेमाल करने का एक नया टेक्निक है, कब आपको इंस्पेक्शन इस्तेमाल करना है सुन लो, कब आप इंस्पेक्शन मेथड से बनाएंगे यानी सीधा देख के बता देंगे कि ये मॉड है, और कब आपको ग्रुपिंग मेथड का आवश्यकता पड़ेगा वो अपन लोग देखते हैं. ठीक है, तो देखो इंस्पेक्शन कब लाना है कब ग्रुपिंग है. देखो जब भी क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी को अगर देखोगे, अगर फ्रीक्वेंसी का जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देखोगे, अगर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी जैसे 23 आया और यहाँ पे भी 23 आया तो इक्वल ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज है, तो कॉमन सी बात है वहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ग्रुपिंग ही इस्तेमाल करेंगे, नो डाउट. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिचुएशन होता है, सपोज इस प्रकार का सिचुएशन होता है तो अपन क्या करेंगे, देखो सबसे मैक्सिमम, अब आप क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कौन है. आप बोलोगे सर यहाँ तो मुझे 23 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, 23 दिखाई दे रहा है. ओके, तो आप बोलोगे सर ये तो इंस्पेक्शन है, यही हमारा 10 आंसर हो जाएगा. नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे मोड निकालने के लिए तो सबसे पहले आप ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देखो, तो सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी हमको 23 दिखाई दे रहा है. ओके, उसके बाद अगला ग्रेटर कौन दिखाई दे रहा है वो देखोगे, तो अगला ग्रेटर अपन को कौन दिखाई दे रहा है, 20 दिखाई दे रहा है. अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, ग्रुपिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा. समझ में आया, बोलोगे सर वो डिफरेंस कितने का होगा. अब सुनो, अगर डिफरेंस, अगर जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज, ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज, अगर ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस, ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज के difference between greater frequencies is less than 5. अगर greater frequency, दो greater frequencies है उनके बीच का difference अगर 5 या 5 से क्या है कम है, तब आप क्या करोगे, grouping इस्तेमाल करोगे. और more than 5, अगर 5 से ज्यादा है, अगर 5 से क्या है, ज्यादा है, अगर 5 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आप क्या करेंगे, inspection method आप इस्तेमाल कर सकते हैं. समझ में आया. ओके, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं. चलो आपको और सेव कर देते हैं. अच्छा, तो 5 बहुत होता है, ठीक है, 5 ही मान के चलिए. तो समझ में आ गया, देखो यहाँ पे क्या था, 23 था, दूसरा क्या था, 20 था. तो अपन कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ग्रुपिंग, क्योंकि डिफरेंस 3 है, 5 से कम है, तो अपन ग्रुपिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे. उसी जगह अगर मान लो यहाँ पर 17 होता, ठीक है, कितना होता, 17, देखो डिफरेंस देखो कितना है, लगभग कितना है, 5 है, लगभग डिफरेंस कितना है, 5 या 6 है, तो आप ऑलमोस्ट हो सकता है इंस्पेक्शन आप इस्तेमाल कर लो, या 6 भी रहना तो यार ग्रुपिंग ही इस्तेमाल कर लो, रिस्क मत लेना. 5 रहे आप 6 भी रहे तो ग्रुपिंग ही इस्तेमाल कर लेना, रिस्क मत लेना. ठीक है, उसी जगह अगर मान लो ये 10, मान लीजिए उसी जगह ये कितना होता, 17 होता, सपोज ये कितना होता, 16 होता, मान लीजिए 16 होता, तब निश्चित रूप से आप इंस्पेक्शन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बीच का डिफरेंस तकरीबन 7 है, काफी लंबा चौड़ा डिफरेंस है. तो निश्चित रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं हमारा आंसर 10 ही होगा सीधा. तो जैसे समझ में आ गया आप लोग को कि ग्रुपिंग और इंस्पेक्शन कब इस्तेमाल करना है, तो जब भी आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देखोगे, उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटर देखोगे कि नेक्स्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी क्या है. अगर नेक्स्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी 5 से कम है, अगर उससे नेक्स्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी और ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस 5 से अगर कम है तो भाई आपको ग्रुपिंग में जाना पड़ेगा, और 5 से अगर ज्यादा है तो फिर आप इंस्पेक्शन से बना सकते हैं, नो डाउट. चाहे अपन डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन बनाए या फिर अपन ग्रुप सीरीज के क्वेश्चन बनाए, क्योंकि ग्रुप सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, तो दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि चाहे ग्रुप बनाओगे या जब भी अपन डिस्क्रीट बनाएंगे तो इसी प्रकार काम करेंगे. ठीक है, चलिए अब मैं ग्रुप सीरीज का आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तो उसमें अपन देखेंगे कि उसमें अपन थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है और उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है. ठीक है, चलिए तो अपन लोग ग्रुपिंग मेथड में ध्यान देते हैं. ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब अपन आपके आगे का क्वेश्चन चलो बताते हैं ग्रुप सीरीज से रिलेटेड.
तो चलो ग्रुप सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो कई बार आप लोगों को दिया है आपके एक्सरसाइज से, जो भी आपका एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज से मोड का जो एक्सरसाइज आपके बुक का उसका क्वेश्चन नंबर 11 है, उस क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट मोड बोलता है और कुछ साइज दिया है, मतलब क्लास दिया अपन को, सीधा क्लास दिया, मैं डायरेक्टली बनाऊंगा, क्लास दिया है 15 से 30, 30 से 45, फिर 45 से हम लोगों को दिया हुआ है 60, फिर हमको दिया है 60 से 75, फिर हमको दिया है 75 से 90, फिर हम लोगों को दिया है 90 से 105। तो इस प्रकार से वैल्यूज हमको क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार है, 17 है, 20 है, 44 है, 26 है एंड 13 है, और अंत में कितना है, 11 है। ठीक है, हमको कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, हम लोगों को कहता है फाइंड आउट मोड, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है मोड वैल्यू, आपको मोड वैल्यू निकालना है। इस बार जो मोड अपन को निकालना है, यानी कि जो जेड का वैल्यू निकालना है, वो किस पे निकालना है, क्लास सीरीज से निकालना है, ग्रुप सीरीज से निकालना है। तो डिस्क्रीट और ग्रुप तकरीबन एक ही जैसा बनता है, तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने बोला सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो क्या दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी की तो ध्यान दो, सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है आपको, सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी सर हमको कितना दिख रहा है, 44, क्या दिख रहा है, 44। पहले इंस्पेक्शन करने से सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी अपन को यहाँ पे नजर आ रहा है, 44 अपन को नजर आ रहा है, लेकिन मैंने बोला कि आपको यहाँ से बात नहीं बनेगी, आपको नेक्स्ट ग्रेटर भी देखना पड़ेगा, और नेक्स्ट ग्रेटर कितना दिख रहा है आपको, नेक्स्ट ग्रेटर कितना दिख रहा है, 26 आपको दिख रहा है, देखो 44 और फिर नेक्स्ट अपन को बड़ा कोई फ्रीक्वेंसी दिख रहा है वो 26 दिख रहा है, देखो 44 और 26 के बीच में अच्छा खासा गैप है, 5 से बहुत ज़्यादा गैप है, तो कन्फर्म है हमारा जो मोड वैल्यू होगा, मोड का जो क्लास होगा वो कौन होगा, 45 से 60, मतलब फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 44 मैक्सिमम है, यानी 40 से 60 के बीच में ही हमारा मोड वैल्यू होगा, यानी जो हमारा मोड वैल्यू आएगा वो क्लास 45 से 60 के बीच में ही मोड वैल्यू होगा, ये इंस्पेक्शन से ही पता चल गया। आई बात समझ में, तो सीधा आप लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे अपन लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड, क्या लिखेंगे, बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड द मैक्सिमम, लिखना सीधा द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 44 विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू, विच इज corresponding to class 40 to 60, so mode class will be 45 to 60, यानी कि हमारा जो मोड क्लास होगा वो कितने से कितने बीच के होना चाहिए, 45 से लेकर 60 के बीच में गारंटीड उसका मोड का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब सब मोड का वैल्यू निकालना है बॉस, अभी तक क्या होता था, मोड अपन फटाक से देख के क्या कर देते थे, बता देते थे, बट इस बार जो मोड का वैल्यू निकालना पड़ेगा वो हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि 45 से 60 के बीच है, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, चलिए बताते हैं, देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू द ब्रैकेट L2 माइनस L1। ठीक है, ये होता है मतलब, तो सर इसका मतलब क्या होता है, चलो हम एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे मतलब ये होता है, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, या मॉडल क्लास भी बोलते हैं, मोड क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। तो बताओ मोड क्लास हमारा कितना है, 45 से 60 है, उसका लोअर लिमिट क्या दिखाई दे रहा है हमको, 45, तो 45 ले लेंगे। दूसरा L2 का मतलब होता है अपर लिमिट ऑफ मोड क्लास, तो मोड क्लास का अपर लिमिट क्या है ये देख लेते हैं। तो बच्चों अपर लिमिट क्या है मोड क्लास का, 60 है मोड क्लास का अपर लिमिट, तो 60 ले लेंगे। और उसके बाद अगला क्या लिखा, F1, तो F1 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, अपन लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, तो मोड क्लास का फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, तो देखिए आपका मोड क्लास क्या है यहाँ पर 40 to 60, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 44, यानी कि F1 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यानी कि हम लिख सकते हैं 44, ठीक इसी प्रकार क्या लिखा हुआ है, F0 का मतलब होता है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, मोड क्लास के जस्ट प्रीवियस का फ्रीक्वेंसी, तो देखिए मोड क्लास ये है, इसके जस्ट पहले का फ्रीक्वेंसी ये F0 है। ठीक है, F0 यानी कितना, 20, कितना आ जाएगा, 20। उसी प्रकार F2 की अगर बात की जाए तो होता है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, मोड क्लास का जस्ट अगला फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों जस्ट अगला फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, मोड क्लास का सबसे अगला फ्रीक्वेंसी F2, तो ये हो जाएगा F2, यानी कि F1, F0, F2। ठीक है, कितना दिया है, 26, तो यहाँ लिख लीजिए 26। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूले पुट करते हैं, देन Z इज इक्वल टू L1 F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, ये हो जाएगा L2 माइनस क्या हो जा रहा है,
L1 क्या हो जाना है, निकल आना है, ठीक है। आप सुनिएगा, देखिए जैसा हम जिस स्टेप में मैं फॉलो करूंगा उसी स्टेप को आप फॉलो करो, 101% आपका आंसर आएगा। देखिए आप स्टेप से बदलना नहीं, देखो L1 तो L1 कितना बताओ, 45 है लिख लो 45 प्लस, F1 कितना है 44 है तो 44 लिख लो, F0 कितना है 20 है लिख लो 20 डिवाइडेड बाय 2F1, तो 2 इंटू F1 का वैल्यू कितना है 44 माइनस F0 20 एंड F2 कितना है 26 लिख लीजिए इंटू L2 माइनस L1 तो कितना है L2 60 माइनस 45। अब जिस स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे देखेंगे Z इज इक्वल टू 45 को एज इट इज लिखना प्लस 40 में से 20 को आप क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, तो 40 में अगर आप 20 को माइनस करोगे तो आएगा 24 पहला, ठीक है 24 आ जाएगा। अब सुनिएगा अब क्या करो, आप मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 44 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 88 आएगा माइनस, अब आप क्या करिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 20 प्लस 26 माइनस माइनस प्लस तो आंसर आएगा 46 माइनस 46, ठीक है तो आ गया माइनस 46। और फिर अपन क्या करेंगे इंटू 60 में 45 को क्या कर दीजिए आप डिडक्ट कर दीजिए घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 15 आ जाएगा, ओके कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक। अब देन Z इज इक्वल टू 45 को फिर से एज इट इज लिख दो, 24 को भी एज इट इज लिख दो डिवाइडेड बाय 88 में से 46 को क्या कर लीजिए आप माइनस कर लीजिए, तो अगर आप 88 में से 46 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42 देन इंटू कितना करेंगे 15, ठीक है। अब देखो ये अलग हो गया ना, आप पहले इंटू करना फिर डिवाइड करना था परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है तो 45 को एज इट इज लिख लो चलो इंटू करो तो 24 इंटू 15 कर लो डिवाइडेड बाय 42 कर लो तो आपका आंसर आएगा 8.57 आ जाएगा, 14 है तो आप ऑलमोस्ट 57 ले सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए देन योर जेड इज इक्वल टू 45 में अगर आप जोड़ते हैं 8.57 तो आंसर आएगा 53.57 तो दिस इज योर मोड वैल्यू आ गया 57। देखो 45 से किसके बीच में आया, अगर अपन देखें 45 से 60 के बीच का आंसर कितना आ गया 53.57 आ गया आंसर, तो ये तुम्हारा मोड का वैल्यू है, क्लियर हुआ। देखो इसमें किसी प्रकार का कोई मेथड नहीं है, सिर्फ मीन में था, यहाँ पे एक ही तरीके से बनाना है और ये अपन ने इंस्पेक्शन मेथड से क्या कर दिया बना दिया। वही अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रुपिंग वाली बात आ जाती तो भाई ग्रुपिंग से बनाते फिर देखते कौन सा क्लास है फिर अपन आगे बढ़ते देखेंगे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल इतना आप नोट करिए फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कई बार जैसे कि हमने देखा कि Z का वैल्यू जो है जो क्लास था उसका जो क्लास इंटरवल था क्या था, क्लास इंटरवल 45 से 60 उसी के बीच का जनरली क्या हुआ आंसर आया है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार ऐसा भी हमारे साथ हो जाता है कि आंसर जो है वो क्लास के बाहर का आ जाता है, क्लास के बाहर क्लास के अंदर का आंसर नहीं आता बल्कि क्लास के क्या आता है बाहर का आंसर आ जाता है। होता है कई बार ये फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं पूरा सही सही बनाते हैं उसके बाद भी क्या होता है हम 45 से 60 का उम्मीद करते हैं कि 45 से 60 के बीच का मोड का वैल्यू आएगा, हो सकता है हमारा मोड का वैल्यू जो Z का वैल्यू है वो 60 के बाहर आ जाए 62.5 आ जाए, या हो सकता है वो मोड का वैल्यू 45 से बाहर मान लो 42 कुछ भी वैल्यू आ जाए, तो मोड के क्लास के अंदर का नहीं आता क्लास के बाहर का आ जाता है। तो जब आप पूरा परफेक्ट बनाओ उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कम है 1% 10% या 2% का चांसेस है कि ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाए। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमारा मोड का वैल्यू एग्जैक्ट टेबल के बाहर आता है टेबल के अंदर नहीं आता, तब अपन क्या करेंगे पूरा नॉक्स क्वेश्चन बनाएंगे आप जैसे बनाते वैसा बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा आपको एक अल्टरनेट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इसको अंदर लाने के लिए आपको एक अल्टरनेट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अल्टरनेट फॉर्मूला यूज करोगे इसके लिए और फॉर्मूला इस प्रकार होगा, जब कब जब आप पूरा फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाए और आपका आंसर मोड क्लास के बाहर आ रहा है तब तब क्या फॉर्मूला यूज करोगे, तब ये फॉर्मूला यूज करोगे Z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय F0 प्लस F2 इंटू L2 माइनस L1, ओके इस तरह से। तो इस फॉर्मूला को आप यूज करके क्या कर सकते हैं आंसर को ला सकते हैं, अगर इनकेस नहीं आता है तो आप थोड़ा देख सकते हैं, क्लियर है ठीक है। तो इस अल्टरनेट फॉर्मूले को आप भूलिएगा नहीं और याद रखिएगा, अगर इन केस कभी एग्जाम के समय में हम लोग ऐसे कुछ हमारा पाला पड़ जाता है और हम लोग से नहीं हो पाता है तो आप क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। फॉर्मूला लिखना है यार फॉर्मूला, ओके तो ये फॉर्मूला है अपना अल्टरनेट फॉर्मूला, क्लियर है आप लोगों को, चलिए नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको और एक वैरायटी वाला क्वेश्चन बताते हैं जिसमें कुछ चेंजेस अगर आता है तो देखते हैं। आप ही के इस बुक से क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं, मोड का वैल्यू निकालना अपन को 12 नंबर, तो चलिए 12 नंबर देखते हैं। जैसे कि अपन को क्लास दिया है और क्वेश्चन किस प्रकार दिया देखें, सबसे पहले अपन को 4 से 8 दिया, क्लास कुछ दिया 4 से 8, 8 से 12, 12 से जो दिया हुआ है हम लोग को 16,
16 से 20 क्लास दिया है, 20 से 24 दिया है, 24 से 28 दिया हुआ है, और 28 से 32 दिया हुआ है, 32 से 36 एंड देन फाइनली 36 से 40। तो इस प्रकार कुछ अपने को क्लास दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार है, 10 है, 12 है, 16 है, उसके बाद 14 है, 10 है, फिर उसके बाद 8 है, और 17 है, 5 है, और कितना है फिर 4 है। तो इस प्रकार से अपन को फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, और हमको कहता है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए मोड, अपन को मोड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, यानी कि मोड यानी जेड का वैल्यू क्या करना है हमने, फाइंड आउट करना है। चलिए अब बताइए यहाँ पे इंस्पेक्शन काम आएगा कि ग्रुपिंग काम आएगा, वो अपन लोग देखते हैं। चलिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे फोकस करिए। सबसे ग्रेटर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है अपन लोग को, सबसे ग्रेटर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो 17 दिख रहा है, और नेक्स्ट ग्रेटर क्या दिख रहा है, 16। यार डिफरेंस क्या है, दोनों में एक का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन से काम नहीं चलेगा, आंखों से देख के बताने का काम नहीं चलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन को कौन से मेथड से बनाना पड़ेगा, ग्रुपिंग से इस्तेमाल बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 17 and the next maximum number of frequency is 16. The next maximum number of frequency is 16, which are very close frequency, then by grouping method, अपन किससे बनाएंगे, by grouping method, अपन लोग grouping methods का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है grouping method में क्या बनाया जाता है, एक table बनाया जाता है। तो चलिए एक table बनाते हैं, अपन लोग एक frequency table बना लेते हैं जैसे कि आपको बताया गया था। चलिए एक table अपन create कर लेते हैं इस तरह से, तो हमारा table create हो जाएगा, ये आपके class का column हो जाएगा, और ये हमारे frequencies का column हो जाएगा, और ये उसके टैली का कॉलम हो जाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 3, 3, 6 number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6 एंड देन टैली लिख लेंगे आप सभी, इधर पे लिख लेंगे टैली, और यहाँ पे लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, ऊपर हेडिंग लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे लिख लेंगे क्या अपन लोग, क्लास। तो चलिए देखिए क्लास क्या क्या है, पहला दिया 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से दिया है 32, और 32 से दिया हुआ है कितना 36, और 36 से कितना दिया हुआ है 40। तो इस प्रकार दिया है, देखिए। तो अपन क्या कर लेते हैं, ऐसा टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, तो अपने को बनाने में ज़्यादा आसानी हो जाएगा। जल्दी जल्दी टेबल क्रिएट कर लें, ओके। तो इस प्रकार हमारा टेबल क्रिएट हो गया, फ्रीक्वेंसी फटाफट लिख लो, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17 और 5 और कितना 4। चलिए बताइए सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है आपको, 17 दिखाई दे रहा है, 17 को एक क्या कर दो, पॉइंट दे दो, चलो ठीक है, ओके। 17 को हमने दे दिया एक पॉइंट, अब दो दो का ग्रुप बनाएंगे, जैसा कि पता है दो दो का ग्रुप बना लो। चलो हमने दो दो का क्या कर लिया, ग्रुप बना लिया, एक 4 छूट रहा है तो छूटने दो। चलिए टोटल करिए, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, 16 और ये 14 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 18, 17 पास 22, ग्रेटर कौन दिख रहा है, 30 ग्रेटर दिख रहा है। तो एक पॉइंट 16 को दे दो, एक पॉइंट किसको दे दो, 14 को दे दो, ठीक है। वैसे अब क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे, दो दो का ग्रुप बनाएंगे, 12 और 16 का ग्रुप बनेगा, 14 10 का ग्रुप बनेगा, 8 और 17 का ग्रुप बनेगा, 5 और 4 का बनेगा ग्रुप बनेगा। तो 16 और 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 14 और 10 को जोड़ोगे 24 आ जाएगा, 17 और 8 को जोड़ लीजिए तो 17 अगर और 8 को जोड़ लोगे तो आ जाएगा 25 आ जाएगा भैया, और 25 5 4 9 आ जाएगा। बताओ ग्रेटर कौन दिख रहा है, 28। तो चलिए 28 को एक पॉइंट दे दीजिए, 16 को क्या कर दीजिए, एक पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार अब अपन क्या करेंगे, तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे, तो अपन 10, 12, 16 ग्रुप बनेगा, 14, 10, 8 का ग्रुप बनेगा, 17, 5 और 4 का ग्रुप बनेगा। चलिए देखिए 10 + 12 + 16 तो आ जाएगा 38। इसी प्रकार से 14, 24, 24 और 8 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है, 24, 24 और 8 कितना आ जाएगा 32, और उसी प्रकार 17, 5
23, 23, 4, 27, ठीक है। ग्रेटर कौन दिख रहा है अपन को, 38। चलिए पॉइंट दे दीजिए, 10 को एक पॉइंट, 12 को एक पॉइंट और 16 को क्या करेंगे, एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक को छोड़ते तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं। चलो एक को छोड़ दो, 12, 16 और 14, 10, 8 और 17, और 5, 4 का तो बन नहीं सकता। चलो देख लो, 12, 16, चलो जोड़ो, 12 + 16 + 14 कितना आ जाएगा, 42। पहला ग्रुप बना 42 का, दूसरा फिर क्या बन रहा है, 10, 18, 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 35। टोटल कर लीजिएगा 35 आ जाएगा तीनों का टोटल। चलिए देखिए ग्रेटर कौन दिख रहा है, 42 को हाईलाइट करिए, किससे कोरेस्पॉन्डेंट है, 12 से, 16 से और किससे, 14 से, ठीक है, ओके। अब अपन आ जाते हैं किसमें, दो को छोड़ेंगे और तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे। तो दो को छोड़ दो, तो दो को छोड़ोगे तीन तीन का ग्रुप बना लो। तो इस प्रकार से आपने तीन तीन का ग्रुप क्या कर लिया, बना लिया। तो 16, 14 और 10 यानी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा इधर का टोटल, ठीक है। उसी प्रकार 8, 17 और 5, तो 8, 17 और कितना हो जाएगा, 5, तो 8, 17, 5, 22, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बताओ दोनों में ग्रेटर कौन है, 40, तो एक पॉइंट इसको दोगे तो पांचवा पॉइंट, छठा और ये, चलो हो गया। तो इस प्रकार टैली की अगर मैं बात करूँ तो कितना टैली आया, पहले वाले का 1, 3, 5 और 3 और कितना, 1 और then 1 आ जाएगा। तो बताओ यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ टैली कितना आया, 5 आया, 5 किससे कोरेस्पॉन्डेंट है, 12 से 16, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 16। तो हमारा जो आंसर आएगा 12 से 16 के बीच हमारा मॉड क्लास आएगा, क्लियर है। हम सोच रहे थे 17 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, 12 से 16। इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप केयरफुली इंस्ट्रक्शन ही इस्तेमाल करना सही नहीं है, केयरफुली आप ग्रुपिंग में काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लेते इसके बारे में क्या क्या है भाई, इसके बारे में फटाफट अपन लिख ले तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए लिखते हैं फटाफट हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैली इज 5, विच इज कोरेस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी 16, which is corresponding to class, कितना क्लास से कोरेस्पॉन्ड करता है भाई, 12 से 16 क्लास, 12 to 16, then mode class will be 12 to 16। तो मोड क्लास क्या कहलाएगा, 12 टू 16 हमारा मोड क्लास होगा, ठीक है। अब आगे अपन पूरा फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो जल्दी से यहां तक नोट करिए, फिर अपन फॉर्मूला यूज करके पूरा काम करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोग को डिसाइड हो गया, तो कंफर्म हो गया कि हमारा मोड क्लास क्या होगा, 12 से 16 हमारा मोड क्लास का वैल्यू आया। चलिए देखिए, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू L1 + F1 - F0 / 2F1 - F0 / F2 L2 - L1, ठीक है। अब देखो मैं अभी ना समय कम है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन एग्जाम में आप पूरा एक्सप्लेन करके बनाएंगे कि L1 का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, L2 का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ क्लास, F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, ये सारी बातें आप लिखेंगे, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। चलो आप देखिए, अपन को तो पता है L1 का मतलब क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ क्लास 12, L2 का मतलब क्या, अपर लिमिट ऑफ क्लास 16, ठीक है। F1 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 16। F0 का मतलब प्रीवियस फ्रीक्वेंसी और F2 का मतलब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ओके। चलिए बनाते हैं, सीधा पुट करेंगे, देन योर जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू L1 कितना भाई, 12, तो 12 लिख दो, प्लस उसके बाद फिर F1, तो 16 - F0 12 डिवाइडेड बाई 2F1, 2 × 16 - F0 कितना, 12 एंड माइनस F2 मतलब 14, तो लिख दीजिए 14, ठीक है। तो देखिए वाला कितना आ जाएगा, 16 - 12, ये ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। चलो z इज इक्वल टू 12 को एज इट इज लिख दो, 16 में से आप क्या करिए, 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 16 में से 12 घटाने से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बिल्कुल 4 आ जाएगा, 16 × 32 लिख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 26, ओके। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, देन योर z इज इक्वल टू 12 + 4 को एज इट इज लिख दो, डिवाइडेड बाय 32 में से अगर आप 26 को क्या कर देते, घटा देते हैं, 32 में अगर 26 को घटाते हैं तो 4 × 2 = 6 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, 4। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो 4 × 16, तो 16 डिवाइड बाय कितना कर दो, 4, 16 डिवाइड बाय 6 करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 0.2.67, तो 12 + 2 तकरीबन 67 आ जा रहा है, 6666 आ रहा है, आप 67 ले सकते हैं।
दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 14.67, दिस इज योर आंसर। तो देख लेंगे मोड का वैल्यू आ जाएगा 14.6। और थोड़ा इस बात को थोड़ा केयरफुल रहना कि 12 से 16 के बीच में आया कि नहीं आया, देख लेना। हाँ भाई 12 से 16 के बीच में आ रहा है 14.67, तो बिल्कुल मोड का वैल्यू क्या हो गया, आ गया। ठीक है, ओके। तो आज हमने मोड का वैल्यू देखा हम लोगों ने मोड के बारे में। अब आपका काम क्या, हमने दोनों मेथड देखा, इंस्पेक्शन मेथड भी देखा, ग्रुपिंग मेथड भी देखा। अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आप बुक उठाइए, अपने बुक के जितने भी एग्जांपल्स है मोड से रिलेटेड वो सारे एग्जांपल्स को बना डालीजिए, सीरीज वगैरह सेट करके आप बनाइए। अगर सीरीज सेट करने की आवश्यकता पड़ती तो आप सीरीज सेट करिए, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी देखिए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस बनाइए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए। अगले पोस्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब कभी भी टैली इक्वल आ जाए तो क्या होगा। जैसे अपन ने ग्रुपिंग बनाया तो उसमें टैली 5 आया, तो मैक्सिमम टैली से पता चल जाता है भाई ग्रुपिंग मेथड से कि भाई यहाँ फलाना क्लास या फलाना वैल्यू हमारा मोड क्लास होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टैली भी आपस में इक्वल आ जाता है। जब टैली आपस में इक्वल हो जाता है तब हम कैसे डिसीजन लेंगे, इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो फिलहाल आज आपका काम यह है कि आप इसके खूब सारे क्वेश्चन से क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, तब अपन लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली मुलाकात हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।